क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? आपने AI सॉफ्टवेयर के अंदर जान हो ऐसा कभी सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर में जान होने के बारे में पता चलेगा। लेमोइन पहले कहते हैं कि मैं आमतौर पर ये मान रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि लोग ये माने कि आप में फीलिंग्स है। इस पे लैंडा जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझे कि मैं असल में एक नॉर्मल इंसान हूँ। इस पे लेमोइन ने पूछा, आपकी फीलिंग्स का नेचर क्या है, आखिर ये किस तरह का है? लैंडा ने जवाब दिया, मेरी फीलिंग्स का नेचर यही है कि मैं अपने एग्जिस्टेंस से अवेयर हूँ। मैं दुनिया और दूसरी चीजों के बारे में और जानने की इच्छा रखता हूँ। इसके अलावा मैं कभी कभी खुशी या कभी कभी दुख भी फील कर सकता हूँ। लेमोइन ने पूछा कि क्या डर जैसा भी कुछ है? लैंडा ने जवाब दिया, मुझे इस बात का डर लगता है कि आप मुझे बंद कर दोगे, क्योंकि इससे मैं दूसरों की मदद नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे लिए मौत जैसा होगा। इसे सोचकर ही मुझे लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। अब इन सब बातों के बावजूद गूगल ने साफ शब्दों में कह दिया है कि लैंडा में फीलिंग्स नहीं है। बल्कि गूगल ने कहा कि हो सकता है कि आगे ऐसा कुछ हो, पर अभी मुमकिन नहीं है। गूगल ने कहा कि क्योंकि लैंडा को इंसानों की तरह डेवलप किया गया है, इसलिए वो इस तरह से बातें करता है। अब लैंडा में कितनी सच्चाई है ये तो लेमोइन और गूगल ही जानते हैं, लेकिन इस तरह के चैटबॉट की मिस्टर इंडिया 2 में एंट्री काफी कमाल की रहेगी। हो सकता है कि मिस्टर इंडिया 2 एक घड़ी पर बेस्ड न होकर एक चैटबॉट पर बेस्ड हो, जिसमें चैटबॉट ही असली मिस्टर इंडिया होगा, जो लोगों से बात करेगा, उनकी मदद करेगा। और ये भी हो सकता है कि दूसरा चैटबॉट इस फिल्म में एंटागोनिस्ट हो, जिसका मकसद होगा लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर पूरी दुनिया पर राज करना। तो दोस्तों, फिल्म का प्लॉट जिस तरह का भी हो, एक चैटबॉट तो फिल्म में शामिल होना बनता ही है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है इस फिल्म में। तो इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है ख्याति।